नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि रविदास चरित्र के प्रथम भाग के बाद मैं आपको रविदास चरित्र का दूसरा भाग प्रस्तुत करूंगा। आज मैं आपको रविदास जी के चरित्र का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले की तरह फिर से वही प्रार्थना है कि इसमें कोई त्रुटि हो जाए या आप उस मत को ना मानते हो तो कोई टीका टिप्पणी ना करें। मेन मकसद यह है कि रविदास जी का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। मेरी गलतियों को माफ करके आप उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस यही मेरी ईमानदार कोशिश है। आइए देखते हैं रविदास चरित्र का भाग दो। जय श्री राम। अरे रविदास यहाँ? अरे ये तो मंदिर की तरफ ही आ रहा है। लगता है दर्शन के लिए आ रहा है। क्या एक अछूत का मंदिर में प्रवेश उचित है? नहीं बिल्कुल नहीं। वही तो, फिर हम क्या करें? हम उसे मंदिर में हरगिज नहीं घुसने देंगे। हाँ। खबरदार, अब आगे एक कदम भी तुमने बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शास्त्री जी ये भला आप क्या कह रहे हैं? शास्त्री जी आज रामनवमी है और मेरा बेटा भी प्रभु राम के दर्शन करना चाहता है। दर्शन करने की इच्छा है तो अपने घर पे जाके दर्शन करो। ये मंदिर तुम जैसे अछूतों के लिए नहीं है, ये मंदिर हमारा है, हमारे प्रभु श्री राम का। और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में प्रवेश करने की? यहाँ पे आके सारा मंदिर गंदा कर दिया। शास्त्री जी मेरे आने से मंदिर अपवित्र नहीं हुआ है, बल्कि अपवित्र हुआ है आपकी छोटी सोच के कारण। और वैसे भी कौन कहता है कि हम लोगों को मंदिर में आकर प्रभु के दर्शन करने का अधिकार नहीं है? शास्त्री जी प्रभु किसी एक जाति या धर्म के नहीं, प्रभु तो सबके हैं। और फिर आप अहंकार में आकर सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस परम पिता परमेश्वर की आप संतान हैं, उसी की हम भी हैं। और रही बात दर्शन करने की, तो शास्त्री जी सुन लीजिए, दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा, दर्शन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल बेटा चल बेटा चल। मेरी ये हिम्मत कि तू अपनी बराबरी हम लोगों से कर रहा है, देख क्या रहे हो साथियों, मार के धक्के निकालना चाहिए यहाँ से। पिताजी चलो यहाँ से। पिताजी मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने। पिताजी आप यहाँ से चलो। तू रो मत बेटा, प्रभु राम के दर्शन तो हम करते ही जाएंगे। चल बेटा चल चल आ बेटा चल। रुक जा नीच, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखते क्या हो साथियों, इसे उठाओ मंदिर से बाहर भेज दो। ए लड़के, अगर अपने पिता की भलाई चाहता है तो ले जा यहाँ से। पिताजी चलिए, पिताजी घर चलिए, मुझसे ही आपका अपमान देखा नहीं जाता। पिताजी पिताजी घर चलिए। नहीं बेटा नहीं, ये लोग हमारा अपमान नहीं कर रहे, ये अपमान कर रहे हैं मानवता का, इंसानियत का। और बेटा आज प्रभु राम को ये साबित करना पड़ेगा कि इन अभिमानियों में और हम में कोई अंतर नहीं, इंसान इंसान सब बराबर है। बेटा तू चिंता मत कर, बैठा तू बैठा बेटा। आज मुझसे दिया है किनारा, जो मुझसे किया है किनारा। कोई उपाय कीजिए गुरुजी, क्यों हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ काम नहीं चलने वाला। यदि इस अछूत को रोका नहीं गया तो वो अपनी मायावी शक्ति दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेंगे, और ये अंधविश्वासी लोग उसे ईश्वर का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो लोग हमें धक्के मार मार के राज्य से बाहर निकाल देंगे। मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने एक ऐसी योजना बनाई है कि वो शूद्र अपने सारे मायावी चमत्कार दिखाना भूल जाएगा। पर वो योजना क्या है जरा हम भी तो सुने। तो सुनो, हम महाराज के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे
कि वो शूद्र अपने आप को सच्चा भक्त बताता है तो इसका प्रमाण वो राज्य के भरे दरबार में दे। पर क्या महाराज हमारी बात मानेंगे? उस शूद्र ने तो पहले से ही कंगन देकर महाराज को अपने वश में कर लिया है। महाराज को हमारी बात माननी ही होगी, क्योंकि बात जब राज्य धर्म और प्रजा के हित की हो तो प्रजा की ही बात माननी पड़ती है। पर हम महाराज से कहेंगे क्या? हम महाराज से कहेंगे कि वो शूद्र रविदास अपने झूठे चमत्कार दिखा दिखा कर लोगों को गुमराह कर रहा है, और वो ये सारे चमत्कार हम ऊंची जाति के लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। और यदि उस अछूत ने अपने आप को सच्चा भक्त साबित कर दिया तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार कभी कभी होते हैं, बार बार नहीं। और फिर मेरी योजना ही ऐसी है। योजना क्या है महाराज, ये तो बताइए। योजना, हम महाराज से कहेंगे कि प्रभु राम की एक अच्छी मूर्ति सिंहासन पर रखवा दी जाए, और हर भक्त उसको अपनी भक्ति की शक्ति से अपनी ओर पुकारे। जिसके पास वो मूर्ति स्वयं चल के आ जाएगी वही सच्चा भक्त कहलाए। और अगर मूर्ति हमारे पास भी नहीं आई तो? असंभव, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों में से तो एक से एक बढ़कर विद्वान है, किसी न किसी के पास तो वो मूर्ति अवश्य आएगी, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो फिर वह मूर्ति क्या है? और दूसरी बात कि हम सब इतने सारे एक साथ हैं, लेकिन वो शूद्र अकेला है। अलख निरंजन भाइयो, क्या आप मुझे रविदास जी के घर का पता बता सकते हैं? अबे ओ साधु के बच्चे, क्या हम तुझे शक्ल से शूद्र लगते हैं जो तू हमसे उस शूद्र का पता पूछ रहा है? बच्चा क्रोधित क्यों होते हो? मैं इस गांव के बारे में अनजान हूँ ना, है रविदास जी इसी गांव में रहते हैं? वो अछूत गांव में नहीं, गांव के बाहर अछूतों की बस्ती में रहता है। वहाँ चले जाओ, किसी से भी पूछो, सब उसके घर का पता जानते हैं। उन सबका तो भगवान है रविदास का बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। अलख निरंजन, क्या सोच रहे हैं गुरुजी? मैं सोच रहा हूँ कि ये अजनबी साधु आखिर उस शूद्र से क्यों मिलना चाहता है। जरूर कोई खास बात होगी। शंकर दयाल, तुम उस साधु के पीछे पीछे जाओ और छुपकर सारी बातें पता करो कि वो आखिर उस रविदास से क्यों मिलना चाहता है। बाद में हम तुम्हें नदी के किनारे मिलते हैं। अलख निरंजन, रविदास जी। ओ रविदास जी। कौन है भाई? आया, अभी आया। प्रणाम महाराज। महाराज आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? रविदास जी, प्रभु के सच्चे भक्तों को पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होती, और आपकी भक्ति की चर्चा तो पूरे राज्य में है। मैं आपकी इतनी चर्चा सुनकर ही आपसे मिलने चलाया। ये तो आपका बड़प्पन है, आइए विराजिए। अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। लीजिए महाराज जी, पहले कुछ जलपान ग्रहण कीजिए। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कर रही हो? भला महाराज हमारे घर का जलपान कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? महाराज शायद आपको पता नहीं, हम लोग बहुत छोटी जाति से हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रविदास जी? इतने बड़े ज्ञानी होकर अज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो? छोटी जाति में जन्म लेने वाला मनुष्य क्या मनुष्य नहीं होता? महाराज आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस समाज में मनुष्य की पहचान उसके गुणों से नहीं, उसकी जाति से होती है, उसके कर्म से होती। समाज की इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, और एक ना एक दिन वो वक्त आएगा, जरूर आएगा। वाह वाह रविदास जी वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। बस तुम्हारे दर्शन करना चाहता था। वैसे तुम्हारी हालत देखकर मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ महाराज बोलिए। रविदास जी, मेरे पास एक पारस पत्थर है। ये एक ऐसा अनमोल पत्थर होता है जिसे यदि किसी लोहे की चीज से छुला दो वो सोना बन जाती है। देखो मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इसे अपने पास रख लो और इसका उपयोग करो। वैसे भी तो मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगा। मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसका ध्यान रखूंगा तो मैं प्रभु का ध्यान नहीं कर सकूंगा। तुम कृपा करके मेरा ये बोझ कम कर दो और इसे अपने पास रख लो, और अपनी दरिद्रता दूर करने में इसका उपयोग करो। ठीक है महाराज, अगर जरूरत पड़ी तो कर लूंगा। आप ऐसा कीजिए, अपनी इस अमानत को यहीं कहीं छप्पर में रख दीजिए, और हाँ
याद रखिएगा कहाँ रखकर जा रहे हैं। यात्रा से वापस आकर वहीं से उठा लीजिएगा। रविदास जी, जी मैंने उसे खुरपे के पास रख दिया। ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा महाराज प्रणाम, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। गुरुजी, गुरुजी, आप लोग अभी तक यहीं हो? अरे क्या बात है, और इस तरह से गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला जा रहे हो? अरे बात ही चिल्लाने वाली है, अगर आप सब सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। अब ऐसी क्या खबर लेके आए हैं आप, बताएंगे भी या सिर्फ यूं ही पहेलियां बुझाते रहेंगे? ये समझिए कि हम सब की दरिद्रता दूर हो गई और हम सब के पास भी राजकोष से अधिक धन होगा। लगता है ये पागल हो गए हैं, जरूर उस रविदास ने इन पर कुछ जादू कर दिया है। वो अछूत मुझ पे क्या जादू करेगा। हाँ एक बात है कि उस अछूत की वजह से हम धनवान बन जाएंगे। धनवान कैसे गुरु? मैं बताता हूँ, वो साधु रविदास को पारस पत्थर देकर गया है और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ छिपा कर रखा है। यदि हम चाहें तो एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। वो कैसे गुरु? वो ऐसे कि हम वो पारस चुरा लेंगे। पारस हमारे पास आने से हम धनवान तो बन ही जाएंगे, और वो साधु जब यात्रा से वापस आकर वो पारस रविदास से मांगेगा तो वो चोर साबित हो जाएगा। बेईमान और चोर साबित होने पर लोगों को उसके ढोंगी होने का पता चल जाएगा और बाकी का काम हम पूरा कर देंगे। तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और सुनो आज रात को उस पत्थर हम लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। शंकर दयाल लाओ, जाओ पारस निकाल लाओ। अभी लाया गुरुजी। ये रही हमारी भाग्य की पोटली। जरा देखे तो सही पारस होता कैसा है। क्यों नहीं क्यों नहीं, खोलो खोलो इसे। कौन है भाई, कौन है भाई? अच्छा तो पारसी आप चलते भी हैं। देखो भाई अभी आप कहीं मत जाइएगा, आप किसी की अमानत हैं। वो साधु महाराज आ जाएं फिर घूम लीजिएगा। रविदास, पूजा पाठ भजन कीर्तन के उपदेश देकर तू क्या साबित करना चाहता है? तेरे ढोंग काशी तक तो ठीक था, प्रयाग में नहीं चलेगा। और सुन, तू जिस जाति में पैदा हुआ है वही काम कर। ये पूजा पाठ भक्ति का काम हमारे ब्राह्मणों का है और हम ही करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ। कौन कहता है भक्ति और पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ आप लोगों को है? ईश्वर पर सबका बराबर अधिकार है, और फिर आप किस मुंह से मुझे ईश्वर की भक्ति करने से मना कर रहे हैं? माना मैं अछूत हूँ, लेकिन शास्त्री जी कौन से शास्त्र में लिखा है कि हम अछूतों को प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है? शास्त्र, तू हमें शास्त्र मत सिखा। सदियों से यही चलता आया है कि मनुष्य अछूतों से प्रेम नहीं करते, तो कैसे संभव है कि भगवान तुमसे प्रेम करेंगे? जब हमारे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो भगवान के दिल में जगह कैसे हो सकती है? क्षमा करना शास्त्री जी, आपको अपनी तुलना ईश्वर से करना शोभा नहीं देता, इससे ही पता चल जाता है आप कितने ज्ञानी हैं। और रही बात प्रभु की भक्ति की, तो मेरा ये मानना है कि जितना अधिकार आप लोगों का है उतना ही हम अछूतों का भी है। हम भी उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं जिसकी आप लोग हैं। तो ठीक है, तो आज ये बात साबित हो ही जाएगी कि प्रभु का सच्चा भक्त कौन है और पूजा करने का अधिकार किसको है, तुम्हें या हमें? शास्त्री जी आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं आपका मतलब नहीं समझा। विदास, हम अपना अपना सालिग्राम गंगा जी में बहाएंगे। जिस किसी का भी सालिग्राम नदी पर तैरेगा वो ही सच्चा भक्त होगा, वो ही प्रभु का आराधक होगा। क्षमा करे शास्त्री जी, मैं किसी भी तरह की शर्त लगाने के पक्ष में नहीं। जरा आप ही मुझे बताइए कि हम एक दूसरे को छोटा बड़ा साबित करने के चक्कर में प्रभु का इम्तिहान क्यों ले? आप लोग बड़े हैं, बड़े ही रहें, हम लोग छोटे हैं, छोटे ही ठीक हैं। इसमें शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, हमसे प्रभु की भक्ति करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अविनाश,
आज यह सबके सामने बात साबित होकर आएगी कि प्रभु किसके हैं और भक्ति करने का अधिकार किसका है। अगर तुम ये बात साबित नहीं कर पाए तो याद रखना, आज के बाद भक्ति मत करना और अपनी जाति वालों को भक्ति करने से रोकना। क्या बोले, मैं और मेरे भाई लोग प्रभु का नाम लेना छोड़ दे? ऐसा कभी नहीं होगा शास्त्री जी, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं ताकि कोई इम्तिहान दूं, लेकिन बात अगर मेरी जाति की होने लगी है तो सुन लीजिए, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को मृत्यु दंड दे दूंगा। शास्त्री जी चलिए, जिस तरह का भी इम्तिहान लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो निकालो अपना शालिग्राम और चलो तट की ओर। परंतु मेरे पास तो शालिग्राम नहीं। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं किसी भी पत्थर को शालिग्राम मानकर तैरा दूं। चलो ठीक है, किसी भी पत्थर को शालिग्राम मानकर गंगा जी में तैरा दो, चलो तट पर। चलिए तैराइए अपना शालिग्राम। पहले आप। हे ईश्वर, मेरी भक्ति की लाज रखना। लगता है ये मनुष्य भी कोई बुरी खबर लेके आया है। गुरुजी, समझो कि आपका दाना पानी खत्म और साथ में हमारा भी। क्या बक रहे हैं आप ये? मैं बक नहीं रहा हूँ, जो कुछ सुन के आया हूँ अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या खबर सुन के आए हैं, कुछ बताएंगे भी? वो शूद्र रविदास इस नगर के लोगों का ही नहीं बल्कि आसपास के नगरों में भी चमत्कार दिखाकर लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो भला क्या? शूद्र रविदास ने प्रयाग में अपने मायावी चमत्कार दिखाकर लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। पहले तो उसकी जाति के लोग ही उसके साथ जुड़े थे, मगर अब तो अन्य जाति के लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं। लोग उसे ईश्वर का सच्चा भक्त समझने लगे हैं और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, अब समय आ गया है कि हम अपने राम बाण का इस्तेमाल करें। हो गया, महाराज काशी नरेश दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, विश्वनाथ जी और उनके कुछ साथी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहिए विश्वनाथ जी, आप लोग हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज, आज हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि हम लोगों को आपके इस राज्य में रहने का अधिकार है या नहीं। क्यों नहीं है विश्वनाथ जी, और वो कौन है जो आप लोगों को राज्य से निकालना चाहता है? क्षमा करें महाराज, यदि हमने उसका नाम बताया तो आप बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो आप ही का सर चढ़ाया हुआ है। कौन है हमारा सर चढ़ाया हुआ, जरा हमें भी तो पता चले। वो शूद्र रविदास। विश्वनाथ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन हमने और आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि रविदास जी ईश्वर के कितने बड़े भक्त हैं। प्रभु की भक्ति के अलावा उन्हें दूसरी किसी चीज में कोई रुचि नहीं है, वो भला क्यों चाहेंगे कि आप लोग इस राज्य में ना रहें? क्षमा करें महाराज, रविदास जो दिखता है वो है नहीं। अरे वो कोई प्रभु का सच्चा भक्त नहीं है, वो तो केवल मायावी चमत्कार करता है एवं काला जादू दिखाता है, और इस बात को हम पूरे दरबार के सामने साबित भी कर सकते हैं महाराज। और यदि नहीं कर पाए तो? महाराज, अगर हम ये बात साबित नहीं कर सके तो अपनी हार मान लेंगे और उस शूद्र रविदास को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे, और अगर वो हार गया तो उसे भी यही करना होगा महाराज। साथ ही उसे राज्य छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा महाराज। ठीक है, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। अब ये भी बता दो,
तुम किस प्रकार अपनी बात सच साबित करोगे? महाराज, पहले उस रविदास को इस राज्यसभा में बुलवाया जाए और आगे की सारी बात हम उसकी उपस्थिति में ही आपको बताएंगे। ठीक है मंत्री जी, पूरे सम्मान के साथ रविदास जी को हमारे दरबार में शीघ्र उपस्थित कीजिए और उनसे कहना यह हमारा हुक्म नहीं, हमारी प्रार्थना है। जो आ गया महाराज। संत रविदास की जय हो। कहिए आपने आने का कष्ट कैसे किया? रविदास जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? सच मेरे लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है। चलिए भाग्यवान, मैं जरा महाराज के दर्शन करके आता। पर आप लौटेंगे कब तक? अरे जल्दी लौट आऊंगा भाग्यवान, चलिए चलिए जल्दी से। महाराज की जय हो। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। महाराज, आज आपने दरबार में बुलाकर मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। रविदास जी, हम क्षमा चाहते हैं जो आपको यहाँ इस तरह बुलवाना पड़ा। आपके यहाँ दर्शन करके हम धन्य हो गए। महाराज, मुझे इतना सम्मान मत दीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो इस राजमहल की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको कैसे बतलाएं रविदास जी कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है? दरअसल हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। महाराज, आपकी दुविधा मैं दूर किए देता हूँ। रविदास, तुम्हें महाराज ने अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। परंतु मुझे इस तरह बुलवाने का कारण? कारण ये है रविदास कि आज तुम्हें इस भरे दरबार में सबके सामने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? भला कोई प्रभु की सच्ची भक्ति का इम्तिहान कैसे दे सकता है? प्रभु की सच्ची भक्ति तो सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। तो आप ही बताइए, कोई अपने सच्चे मन और पवित्र आत्मा को कैसे दिखा सकता है? और अगर मैं दिखा भी दूं तो इस समय आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि आपकी आंखों पर अभी अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों, अपनी मायावी चमत्कार दिखा सकते हो, अपनी भक्ति नहीं दिखा सकते? रविदास जी, जैसा कि तुमने अभी कहा कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से होती है, तो ठीक है, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो प्रमाण देने में हर्जी क्या है? और अगर तुम प्रमाण नहीं दे सकते तो हम सबको पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाना होगा, और साथ ही साथ ये नगर, ये राज्य छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। शास्त्री जी, क्या बोले? मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊं? शास्त्री जी, हार मानकर तो मैं राज्य तो क्या, ये दरबार छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे प्रभु की सच्ची भक्ति की हार होगी और मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी, बताइए बताइए किस तरह मेरी भक्ति का मुझे प्रमाण देना होगा? महाराज, आपसे एक निवेदन है कि प्रभु राम की एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ किसी ऊंचे स्थान पर रखवा दी जाए और हम दोनों अपनी भक्ति की शक्ति से उसे अपनी ओर पुकारेंगे, और जिसके पास भी वो मूर्ति चल के आ जाएगी वही कहलाएगा प्रभु राम का सच्चा भक्त। कहो रविदास, तुम्हें मंजूर है? जैसी आप लोगों की इच्छा। प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, और हम सब उनके लिए समान हैं। और आज अगर मुझे दशरथ पुत्र श्री राम को अपनाने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शास्त्री जी, आप हर तरह से मुझसे बड़े हैं, सो पहला हक आपका बनता है, पहला प्रयत्न आप लोग कीजिए। विश्वनाथ जी, ये तो सही कह रहा है, हम हर तरह से इससे बड़े हैं, इसलिए पहला हक तो हमारा ही बनता है। ठीक है विश्वनाथ जी, पहले आप कोशिश कीजिए। मंत्री जी, श्री राम जी की मूर्ति की व्यवस्था की जाए। विश्वनाथ जी, अब आप लोग अपना प्रयत्न प्रारंभ करें। हे प्रभु, हमारे पास आ जाइए, आ जाइए ना प्रभु जी, हमारे पास आ जाइए। हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, हमारी लाज बचा लो प्रभु। हे प्रभु, हमारे पास आकर बता दो कि हम ही आपके सच्चे भक्त हैं और आप हमारे श्री राम हैं। हे प्रभु, हमारे पास आकर ढोंगी और मायावी लोगों का
मुंह काला कर दीजिए। हे प्रभु एक बार आ जाइए, प्रभु आ जाइए, प्रभु एक बार आ जाइए, प्रभु आ जाइए, प्रभु हे प्रभु आ जाओ, प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम हम आपके सच्चे भक्त हैं, हे प्रभु श्री राम आ जाइए, हे प्रभु आ जाइए, प्रभु हम आपके सच्चे भक्त हैं, प्रभु आना ही होगा आपको, हे प्रभु हमारी लाज बचानी होगी आपको, आ जाइए प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम आज आपको हमारी लाज बचानी होगी, प्रभु आज आपको आना ही होगा, आ जाइए प्रभु। विश्वनाथ जी आपका प्रयत्न पूरा हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं महाराज हो गया। अब आप कोशिश कीजिए रविदास जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी भक्ति हमारा विश्वास कम नहीं होने देगी। महाराज जैसी आपकी आज्ञा। संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय। रविदास जी आप धन्य हैं, धन्य हैं आप, आपकी भक्ति अपरंपार है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन और पवित्र आत्मा से प्रभु को पुकारा जाए तो वो अपने भक्तों की लाज जरूर रखते हैं। चलिए विश्वनाथ जी अब आप लोग शर्त के अनुसार रविदास जी को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे। नहीं नहीं महाराज, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए, वो लोग नहीं जानते उन लोगों ने क्या अपराध किया है। देखा विश्वनाथ जी तुम में और रविदास जी में कितना फर्क है, तुम लोग हमेशा इन्हें नीचा गिराने की कोशिश में लगे रहते हो और एक ये है जो जीत कर भी तुम्हारे लिए क्षमा चाह रहे हैं। अगर वास्तव में तुम लोग अपने किए पे पछता रहे हो तो अब भी वक्त है, क्षमा मांग लो इनसे। रविदास जी हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हमने आपकी भक्ति को ढोंग पाखंड मायावी ना जाने क्या क्या कह के बुलाया, किंतु आपने तो सिद्ध कर दिया कि प्रभु की सच्ची भक्ति जो भी सच्चे मन और पवित्र आत्मा से करते हैं प्रभु उन्हीं के होते हैं, फिर वो चाहे किसी जाति के क्यों ना हो। हमें क्षमा कर दीजिए रविदास जी। शास्त्री जी क्षमा मांग कर अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए, सच मानिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बड़े हैं, आपका फर्ज बनता है हमें सही रास्ता दिखाएं ना कि गलत। और हाँ आज के बाद कहीं भी कभी भी किसी भी परीक्षा के बीच में ईश्वर को मत लाना। महाराज अब मुझे इजाजत दीजिए, घर पर मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा हो। जैसी आपकी मर्जी रविदास जी। संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय। भाई रविदास को मेरा प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। इतने समय बाद इस भाई की याद कैसे आ गई, कितनी बार याद किया तुम्हें, लगभग हर रोज तुम्हारा जिक्र किया करता हूँ, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। बच्चे और भौजाई वो सभी ठीक हैं? अच्छा अच्छा आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? भाई से मिलने की इच्छा हुई सो चला आया, तुम्हारे ज्ञान भक्ति और चमत्कारों के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आ गया, कुछ ज्ञान मुझे भी दे दो। क्यों मजाक करते हो भाई, मैं भला तुम्हें ज्ञान दूंगा? अरे भाई तुम तो ज्ञान का भंडार हो भंडार। ये शायद मेरी भाभी है ना? तुमने ठीक पहचाना, अरे भाग्यवान ये मेरे गुरु भाई कबीर दास जी है। जिस तरह हमारे यहाँ जाति पाति छोटे बड़े और ऊंच नीच का भेदभाव है उसी तरह मुल्तान में हिंदू मुसलमान का बड़ा भेदभाव है, और भाई कबीर आजकल इसी बुराई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा? भाई रविदास तुम भला कैसे गलत हो सकते हो, अब यही बातें करते रहोगे या इस भाई को जलपान को ही पूछोगे? मैं भी कितना पागल हूँ, भाई के आने की खुशी में सुधबुद्धि खो बैठा। माफ करना भाई। अरे भाग्यवान जरा भाई कबीर के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। जी अभी लाती हूँ। भाई मैं अभी आया। लो भाई
जब तक तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाए, ये जल पीकर अपनी आत्मा को शांत कर लो। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? अभी तो बोल रहे थे बड़ी जोरों से प्यास लगी, और जब पानी दे रहा हूँ तो पी नहीं रहे हो। पी लो भाई पी लो, ये जल तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। सोच रहा था सफर से आया हूँ, पहले हाथ मुंह धो लूं फिर पानी पीऊंगा। हाथ मुंह किधर धोना है? इधर इधर सामने धो लो। अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, थोड़ा कुछ खा लो, विश्राम कर लो, फिर चले जाना। नहीं भाई, देर हो चुकी है, घर पे बेटी अकेली है। जैसी तुम्हारी इच्छा, बात अगर बिटिया की है तो जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इधर से गुजरो मिले बिना मत जाना। जरूर जरूर। अच्छा भाई, कपड़े धो रही हो बेटी? जी पिताजी। बड़ी देर कर दी आपने आने में। वाकई में देर तो बहुत हो गई, पर छोड़ बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। पिताजी, आप तो अपने गुरु भाई रविदास जी के यहाँ मिलने गए थे, तो क्या उन्होंने आपकी आवभगत नहीं की? ऐसी बात नहीं है बेटी, उन्होंने तो बहुत ही आग्रह किया, पर मैंने ही कुछ नहीं खाया पिया। कोई बात नहीं पिताजी, आप स्नान कर लीजिए, स्नान करने से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, तब तक मैं आपके लिए खाना बना लूंगी। ठीक है बेटी, ठीक है। बेटी, ये मेरी धोती थोड़ी मैली हो गई है, इसे साफ कर दे। जी बेटा जी। और मैं ना कर आता हूँ। जी। ये क्या कर रही हो बेटी? मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए दिए थे और तुम इसे मुझे साफ कर रही हो। पिताजी, आपकी धोती पर कुछ मिट्टी के दाग लगे हुए थे, और जब मैं इसे धोने गई तो ये दाग धुले ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दाग को अपने मुंह से साफ कर दूं। पर पिताजी, जैसे ही मैंने दाग वाली धोती मुँह में डाली, पिताजी मेरे सामने रविदास जी की छवि प्रकट हो गई पिताजी, और जैसे 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 मैं इस धोती को चूस रही हूँ पिताजी, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी। बहन कमली, प्रणाम। लेकिन आप कौन? हाव भाव से तो आप कहीं की राजकुमारी लगती है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं महाराज राणा संग के पुत्र की विधवा हूँ, परंतु मैं किसी राजघराने की बहू की हैसियत से तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। इतने बड़े राजघराने की बहू को मेरे पास आने की जरूरत कैसे आन पड़ी? बहन, मैं अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो प्रभु भक्ति में सही सही मार्गदर्शन कर सके। मैं तुम्हारी भक्ति ज्ञान की चर्चा सुनकर ये सोचकर तुम्हारे पास आई हूँ कि शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें आत्मज्ञान किस गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ? मुझे आत्मज्ञान गुरु रविदास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। संत रविदास जी के बारे में सुना तो बहुत है, परंतु आज तक उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। बहन, क्या तुम संत रविदास जी से मेरी भेंट करा सकते हो? जी, मैं स्वयं आज तक गुरु जी से नहीं मिली, पर उनसे मिलने की बहुत चाहत है। तो फिर तुम्हें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तुम मुझे बता सकते हो? मेरे पिताजी और गुरु जी आपस में गुरु भाई है। एक बार मेरे पिताजी गुरुजी से मिलने उनके घर पे गए। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वाह, ऐसे ज्ञानी संत के
दर्शन की मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। बहन तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, उस ज्ञानी संत के दर्शन मुझे अवश्य करा दो। बेटी थोड़ा पानी मिलेगा? अवश्य। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अरे गुरुजी, तुम कौन हो पुत्री और मुझे गुरु कहकर क्यों पुकार रही हो? गुरुजी, मैं आपके गुरु भाई कबीरदास जी की पुत्री हूँ। अरे अरे, तुम कबीरदास की पुत्री, कमाली हो। कबीरदास जी, आप कौन है? गुरुजी, मेरा नाम मीरा है। मैं महाराज राणा संगा के पुत्र की विधवा हूँ। मैं आप ही की तलाश में बहन कमाली के पास आई थी, परंतु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं यहाँ आ गए। आपको मेरा प्रणाम। आप किस कारण मुझसे मिलना चाहती थी? गुरुजी, मैं अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में बिताना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गुरु की तलाश थी जो मेरा सही मार्गदर्शन कर सके। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मेरा मतलब है, क्या आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे? मैं भला आपका क्या मार्गदर्शन करूँगा? आप तो स्वयं श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हैं, आपका मार्गदर्शन तो स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। आपकी भक्ति की कीर्ति तो सारे संसार में फैलेगी। सच्ची भक्ति में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, जिस तरह आपने मुझे पानी पिलाकर मेरी आत्मा को शांत किया है, उसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। तुम्हें इसी से हर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम सच्चे मन से एकाग्र होकर बिना किसी की चिंता किए श्री कृष्ण की भक्ति करती रहो। तुम्हारे लिए ये रविदास का वचन है। तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। कृष्ण भक्ति में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा। मैं समझ गई। मैं आज और अभी से आपको अपना गुरु मानती हूँ। आपने आज जो मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं इसी मार्ग पर चलकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है, आप हमारे साथ राजमहल चलिए और वहाँ कुछ दिन निवास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि शरीर त्यागने से पहले एक बार तुम्हारे महल में अवश्य आऊंगा। रविदास जी, कैसे हो? अरे अरे साधु महाराज, प्रणाम साधु महाराज। दरअसल मैं अपने कार्य में इतना व्यस्त था, आपके आने का पता ही नहीं चला। कहिए, आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी रही, परंतु तुमसे दोबारा मिलकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। मुझसे मिलकर प्रसन्नता नहीं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या महाराज? अगर ऐसा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं रविदास जी, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम बात को गलत समझ रहे हो। दरअसल 14 माह पहले मैं तुम्हें तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए एक पारस पत्थर दे गया था। लगता है तुमने उसका प्रयोग नहीं किया। कहाँ है वो पारस? महाराज, जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा। और रही बात प्रयोग करने की, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे लिए तो प्रभु राम और उनकी भक्ति पारस से भी बढ़कर है। रविदास जी, धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुमने पारस का उपयोग न कर ये साबित कर दिया कि ईश्वर को किस हद तक चाहा जा सकता है। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, आप अपनी कोई अमानत भूल रहे हैं क्या? अरे वही जिसे आप पारस कहते हैं। आप विराजिए महाराज, मैं अभी आया। अलख निरंजन। लीजिए महाराज। प्रणाम महाराज। अलख निरंजन। हाँ? प्रभु की माया। महारानी जी की जय हो। कहिए मंत्री जी, इस समय कैसे आना हुआ? महारानी जी, महाराज ने आपको अभी बुलाया है जी। मुझे याद किया? मीरा, हमारे सुनने में आया है तुमने किसी अछूत को अपना गुरु बनाया है। जी पिताजी।
मैंने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया है। मीरा, तुम ये साधु संतों का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में हाथ बटाओ, ये हमारा हुक्म है। मैंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है, कृपया आप मुझे राजपाट के मुंह में मत बांधिए। मीरा, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी पुत्रवधू हो। पिताश्री, आप जो उचित समझे कीजिए, पर मुझे आज्ञा। मंत्री जी, महाराज, इससे पहले मीरा के वजह से हमारी जगहसाई हो, हम मीरा की जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। क्या हो? महारानी जी की जय हो। आइए आइए मंत्री जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? महारानी जी, ये दूध आपके लिए संत रविदास जी ने भेजा। क्या कहा, गुरु जी ने भेजा है? जी। इस दूध को भेजने के पीछे जरूर कोई कारण होगा, लाइए दूध दे दीजिए। हे प्रभु, मेरे गुरु जी की लाश तेरे हाथ में है, उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। विष मिला दूध पीकर भी जीवित है, इसका मतलब ये कि तुमने दूध में विष मिलाया ही नहीं। महाराज, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कभी अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, कल बड़े दरबार में ये साबित हो जाएगा कि मीरा कितनी बड़ी भक्त है। मीरा, हम तुम्हें अंतिम बार समझा रहे हैं, प्रभु साधु संत और उस शूद्र रविदास का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में ध्यान दो। पिताश्री, मैं अपने प्रभु को अपने आप से कैसे अलग करूं? वे तो मेरे तन मन और आत्मा में बस गए हैं, पर अपने गुरु को कैसे छोड़ दूं? जब से उनका भेजा हुआ दूध पिया है तब से तो वो मेरे अंग अंग में समा गए हैं। यदि ये तुम्हारा अंतिम फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन लो। इस पिटारे में नाक है, उस नाक को तुम अपने हाथ में पकड़ो। नाक को पकड़ते ही तुम्हारी भक्ति की पकड़ टीवी हो जाएगी। जो आज्ञा पिताश्री। धन्य हो प्रभु, आज आपने अपनी मीरा की लाश रख ली। आज आपने साबित कर दिया कि आप हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हो प्रभु। पुत्री मीरा, हमें क्षमा करें, हम अहंकार में आकर उस ईश्वर को भूल गए थे। हम हैं वो संत रविदास जिसने भक्ति के प्रति तुम्हारा सही मार्गदर्शन किया है। पुत्री, हम भी संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं। पिताश्री, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। यदि आप संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित कीजिए, वे अवश्य आएंगे। ठीक है पुत्री। मंत्री जी, संत रविदास को आदर सम्मान के साथ यहाँ लाने का प्रबंध किया जाए। यहाँ उपस्थित दरबारियों एवं प्रजागण, हम अपने दरबार में आप सबका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित महान संत रविदास जी का। हम रविदास जी की शक्ति, ज्ञान और विचारों से सहमत हैं। रविदास जी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि छोटी जाति में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि छोटा होता है तो अपने विचारों से। दरबारियों, हम रविदास जी का राज्य सम्मान करना चाहते हैं। मंत्री जी, रविदास जी का राज्य सम्मान किया जाए। ठहरिए महाराज, इस अछूत का सम्मान करके आप हमारा और सभा में उपस्थित सारे विद्वानों का अपमान कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका जन्म एक छोटी जाति में हुआ है और इसे अपने जाति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धर्म और ज्ञान के प्रचार के लिए हम लोग हैं और हमारी पवित्रता के प्रमाण के लिए हमारे तन पर ये जनेऊ है। इस अछूत के पास क्या हित ढोंगी है? इस अछूत को बाहर निकालो।
बस कीजिए, बहुत हो चुका। मेरा और मेरी जाति के लोगों का मानो इस जाति में जन्म लेना अभिशाप हो गया है। मैं पूछता हूँ क्या अंतर है आप में और हम लोगों में? अरे आप क्या बोलेंगे मैं बताता हूँ। जिन पांच तत्वों से आप लोग बने हैं उसी से हम लोग भी बने हैं। फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव किसने पैदा किया? आप लोगों ने। ईश्वर ने तो हमारे माथे पर नहीं लिख भेजा था हम अछूत हैं। और हाँ, अगर जनेऊ ही श्रेष्ठता का प्रमाण मात्र है तो मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। जनेऊ सिर्फ तन पर नहीं आत्मा पर धारण होता है। अरे बंद कर अपने ये प्रवचन। यदि जनेऊ आत्मा पे धारण होता है तो निकाल कर दिखा जनेऊ अपनी आत्मा से। हे प्रभु, आज फिर तेरे भक्त की इज्जत दांव पर है। आज अगर मैं हारता हूँ तो ये मेरी नहीं तेरी हार होगी, क्योंकि तूने हमें छोटी जाति में जन्म देकर सही किया या गलत इसका फैसला तुमको आज यही सबके सामने करना होगा। बस प्रभु बस, मैं आपका और इम्तिहान नहीं ले सकता। मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो प्रभु, मुक्ति दे दो। नमस्कार दोस्तों, ये देखा आपने रविदास चरित्र का दूसरा भाग। रविदास जी का कोई सानी नहीं है, उनके जीवन को उनकी बातों को किसी फिल्म में नहीं परोसा जा सकता। बस एक कोशिश थी और आपसे विनती है कि आप उनके सच्चे अनुयायी बनिए और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जय संत रविदास जी।